हमारी अलमीम फैमिली के लिए जो अपनी अलमीम टीम है, अलमीम आर्मी है, उनको मैं एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ हमेशा। हम बताएंगे लोगों को, सोहेल भाई है फ्रॉम अहमदाबाद और रॉयल मुखी गोट फार्म के ऑनर। और सोहेल भाई, कितने सालों से रॉयल मुखी गोट फार्म चल रहे हैं? 2008 से मैं रन करता हूँ। 2008 से एवरी टाइम पतिरा, तो ईस्ट हो या हमारा ऐसा मानना है, ईस्ट हो या वेस्ट, पतिरा इज बेस्ट। ओके सोहेल भाई, सबसे पहले तो आप आए अलमीम का विजिट किए, क्या आप बताना चाहेंगे लोगों को अलमीम के लिए, क्यों बकरे रखे? सडनली मैं आया, मेरा दिल खुश हो गया कि भाई मैं तो अचानक चला, लेकिन फिर भी इतनी चौखाई है, इतने सब जानवर होने के बावजूद, बिल्कुल 150 समथिंग जानवर है। मैं आपकी 2 मिनट बात काट के वीडियो खत्म होने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि आजकल हमारे में कट्टर वर्सेस ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। खत्म करो, एक प्लेटफॉर्म पर आओ, एक सोसाइटी बनाओ, एक बनो, एक कम्युनिटी बनेगी। आज जैसा एवरी इंडस्ट्री काम कर रही है, देखो हॉर्स इंडस्ट्री का नाम हो गया, बिल्कुल डॉग शो हो रहे हैं, ठीक है, फिर कैट शो हो रहे हैं, एवरी ये यूं समझो ना कि मुर्गों के शो, ये शो हो रहे हैं, हमारे बकरों का इतना नहीं हो रहा है, ओनली फॉर बेंगलोर हैदराबाद के अंदर ही हो रहा है, वही वही पे हमारे गुजरात में कहीं पे नहीं है। नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक ऐसा वाइन बंदा हूँ, कोई बिना स्वार्थ के, इस स्वार्थ से मैं गुजरात के अंदर शो करना चाहता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमीम एंटरटेनमेंट। संडे है, संडे मॉर्निंग, कोई गेस्ट आए माशाल्लाह, मिलते हैं हम उनके साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको तो लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हमेशा जो है सोहेल भाई, मेरा एक इंटरेस्ट हमेशा रहा है हमारे अलमीम फैमिली के लिए, जो अपनी अलमीम टीम है, अलमीम आर्मी है, उनको मैं एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ हमेशा। हम बताएंगे लोगों को, सोहेल भाई है फ्रॉम अहमदाबाद और रॉयल मुखी गोट फार्म के ऑनर, जी ठीक है। जी जी सोहेल भाई, थोड़ा कम बताया, अभी आप ही आपके हिसाब से बता दें तो माशाल्लाह अच्छा है। अहमदाबाद में एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है? अहमदाबाद में एग्जैक्टली नेशनल हाईवे जो पड़ता है अपना, बड़ोड़ा एक्सप्रेस, बड़ोड़ा एक्सप्रेस से आप जैसा एग्जिट लेते हो वैसा रामोल गांव आता है। रामोल गांव में आप किसी को भी पूछोगे सोहेल भाई मुखी या रॉयल मुखी गोट फार्म, कोई भी बता देगा। ओके सोहेल भाई, कितने सालों से रॉयल मुखी गोट फार्म चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से मैं रन करता हूँ। 2008 से ब्रीडिंग सेटअप रहेगा ना? ओनली फॉर ब्रीडिंग सेटअप पे मेरा काम है पूरा पतीरा। हाँ पतीरा अभी मैंने डाइवर्ट किया है थोड़ा हाईपेट में, और अभी हाईपेट से मैं जा रहा हूँ हैदराबादी में, क्योंकि बाजार का क्रेज है हैदराबादी का, हैदराबाद का मार्केट है, ट्रेंड है, ट्रेंड है। एक्चुअली में क्या, हमारा पतीरा तो एवर ग्रीन है, बिल्कुल एवरी टाइम पतीरा, तो ईस्ट हो या हमारा ऐसा मानना है, ईस्ट हो या वेस्ट, पतीरा इज बेस्ट, पतीरा इज बेस्ट। तो पतीरा तो अहमदाबाद का गढ़ है, अहमदाबाद में रहने वाला कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि सोहेल भाई हमने देखे हैं जो भी ब्रीडिंग, जो नई ब्रीड जो हम जनरेट कर रहे हैं इंडिया में, मतलब में लंबे कानों वगैरह के हिसाब में, लेकिन उनको पिंक गुलाबी करने में अपना गुजरात का पतीरा जो है अहमदाबाद का, उसका सबसे बड़ा मेन रोल है, उसको यूज करना ही पड़ता है। हाँ चाहे जितना भी, कहीं ना कहीं उनको पिंक बनाने के लिए पतीरा का यूज लेना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है, जरूरी है। ओके सोहेल भाई, एक्चुअली हम लोग सोच भी रहे थे कि आपके यहाँ पर विजिट करें, लेकिन खुदा ना खास्ता जैसा हुआ कि आप ही यहाँ पर आ गए, तो मुलाकात भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे इंशाल्लाह आपके फार्म पर भी विजिट करेंगे। ओके सोहेल भाई, सबसे पहले तो आप आए अलमीम का विजिट किए, क्या आप बताना चाहेंगे लोगों को अलमीम के लिए, क्यों बकरे रखे? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि माशाल्लाह साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, जी बराबर, और दूसरी चीज स्पेस बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जैसा लोग जानवर को पलाई के लिए होके ढगला कर देते ऐसा नहीं है, जी जी जगह बहुत अच्छी है, स्पेस इस टाइप रखा हुआ है, क्लीननेस अच्छी है, सबसे मेन बकरों के अंदर क्लीननेस अच्छी होनी चाहिए, क्लीननेस बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज के यहाँ पे जो वर्कर है और आप खुद यहाँ पे जो हाजिर रहते हो देखते हो जानवरों में, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इनकी जो सेहत देखी वो भी अच्छी है, और प्लस इनका जो फीड जा रहा है जैसा मैंने देखा भी, सिर्फ अच्छा अच्छा बताने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो है फैक्ट बोलूंगा। मैं तो सडनली अचानक आया, आपको भी कुछ पता नहीं था? नहीं मेरे को, हमें तो कुछ नहीं पता था, यूसुफ भाई बोले मेरे साथ में, अंजुम भाई लग रहे, अंजुम भाई अगवान के ओनर है, आइए अंजुम भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके वहाँ पे मैं रुका हुआ था कल रात से। अच्छा हाँ, मैं एक्चुअली मैं आया यहाँ दूसरे काम से, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए तो बोले चलो अलमीम पे चलते हैं, हमने फार्म का विजिट किया, सडनली हम लोग तो आए, फिर भी इतना क्लीननेस, इतना साफ सुथरा, प्लस वर्कर की फैसिलिटीज, प्लस जानवर को जो रिश्ते रखते है बांधा हुआ रखा हुआ है, बहुत अच्छी चीज है, मेरे को बहुत पसंद आया, पसंद आया। वैसे सोहेल भाई, जैसे कि ये दो बकरे हम निकाले हैं जी, एक कोटा में निकाले हैं और एक सूरत में है व्हाइट आईज में जी, ये बकरों के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं, सब एक्चुअली आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये बकरा जो है पहले ही मंथ में ये कोटा है,
5 केजी सेल्फ फीडिंग पर वेट गेन किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो काम ही पलाई का है, तो हम पलाई की बात करते हैं। जी, इसने आंडू में पहले ही महीने में 5 केजी गेन किया है। और ये वाला, जैसे कि मैंने आपको एक डिटेल्स बताया शेर भाई, ये जिंदा बकरा है। हाँ। सूरत का ही बकरा है, आंडू बकरा है। ये आया था 3 महीने पहले और इसने 76 केजी पर आया था। अच्छा। और अभी रिसेंटली आपको सामने 89 जी, बराबर। हाँ। यानी 14 किलो का इसने गेन किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और बकरे, लेकिन जो कस्टमर्स जो है कुर्बानी वाले हमारे होते हैं। हाँ। उनको अभी डिस्क्लोज नहीं करना होता है, तो वो बकरे हम नहीं दिखा सकते अभी। जी, जी, जी। वो इंशाल्लाह हम ईद पर दिखाएंगे। लेकिन सोहेल भाई, आपके हिसाब से आप ये दो बकरों का जो रिजल्ट है उसके बारे में क्या बताना चाहिए? सबसे पहली चीज आपको मैंने यही बताया ना कि आपका जो जानवर रखने का, बकरे रखने का जो सेटअप है ना, वो बहुत अच्छा है। तो उसके हिसाब से एक तो पहली चीज क्लीननेस हो गई, रखने का सेटअप हो गया और फीडिंग हो गया। बिल्कुल। तो जानवर वजन उठाएगा ही। बिल्कुल। जानवर उसके वजह से वजन लेगा ही। और दूसरी चीज क्या, आप लोगों की टेक केयर बहुत अच्छी है, तो उसके वजह से क्या है, जानवर ने ग्रोथ अच्छा किया। और माशाल्लाह आपके सारे जानवर ग्रोथ वाले देखे मैंने। और ऐसा सिर्फ आपकी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं सुन भाई, नहीं तो अगर कोई हुई सुन भाई लोग बोलेंगे के कुछ सोहेल भाई को धमकी देकर बुलवा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। जो टू बी फैक्ट है, आपको जो कमी लगे बता सकते हैं। मैं एक ऐसा बंदा हूँ सुखेन भाई जी, के कोई मेरे को खिलाने नहीं आता है, ना मैं किसी का खाने जाता। बिल्कुल। मैं किसी से डरता नहीं। बिल्कुल। सिवाय अल्लाह के। देखो, मेरा तो मेन सबसे मोटिवेशन ये रहता है कि फैक्ट बोलो। बिल्कुल। और यहाँ जो मैंने देखा ना, फैक्ट दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि सोहेल भाई वैसे पहली मुलाकात है हमारी, जी तो कुछ एक दूसरे को इतना नाम से जानते थे, लेकिन पहली बार मिले हुए। तो सोहेल भाई, हमारे यहाँ बेंगलोर, पुणे, मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर, बड़ौदा, ये सब जगह से बकरे पलाई पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर इंटरेस्टेड इन अहमदाबाद। हमें कुछ बकरे अहमदाबाद से पलाई पर, स्पेशली हमारे यहाँ आंडू बकरे बहुत ज्यादा है, आप देखे जैसे। हाँ। लेकिन कसी बकरे भी है। हाँ। कसी बकरों में रिजल्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो हम चाहते हैं कि कुछ अहमदाबाद से भी कोई ट्राई करे, और हमेशा करना चाहिए ट्राई, करना चाहिए ट्राई, क्योंकि मुझे यहाँ जगह भी अच्छी लगी, आपका जो पीछे नेचुरली जो मैंने एटमोस्फियर देखा, बिल्कुल, वो भी सब अच्छा लगा। और दूसरा कि आप जो नेचुरली इनको खाना वाना देते हो, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। बिल्कुल। तो ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। हम सोहेल भाई हमेशा बोले हैं किसी भी कस्टमर्स को, पहले आप आओ देखो, विजिट करो, बकरा मत लाओ, आप आओ फार्म विजिट करो। सही सही है। आपको लगता है कि आपका जानवर कोई अच्छी अच्छी जगह पर? मैंने आपको एक चीज बोली ना कि सबसे पहले फार्म के अंदर क्या रहता है, क्लीननेस। ठीक है, जितनी चोखाई रहेगी ना, उतना जानवर अच्छा रहेगा। मैं बोला ना अभी आपको कि सडनली मैं आया, मेरा दिल खुश हो गया कि भाई मैं तो अचानक से आया, लेकिन फिर भी इतनी चोखाई है, इतने सब जानवर होने के बावजूद। बिल्कुल। आज 150 समथिंग जानवर है, 150 समथिंग। बिल्कुल। ठीक है, फिर भी इतनी चोखाई है। ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं है, अभी 1 बज रहा है दोपहर का, फिर भी इतने टाइम के अंदर इतना फार्म क्लीन कर देना, यानी बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर अपने यहाँ पर सोहेल भाई क्लीनिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है। जी। तो आप 8:30 बजे आओगे तभी से फार्म क्लीन हो जाता है। लेकिन मेन चीज है सोहेल भाई कि हम बताना चाहते हैं लोगों को कि आप पहले आओ, फार्म विजिट करो। सही है। उसके बाद आप डिसाइड करो। देखो सोहेल भाई, ये जो इंडस्ट्रीज अपनी बकरेबाजी है, अपना कैसा है, एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो कहते हैं ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। आप आओ फार्म विजिट करो, देखोगे आपका खुद ब खुद दिल होगा कि भाई मेरा यहाँ बकरा आना चाहिए पलाई पे, यहाँ मेरे को रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल। सो भाई, आपके हिसाब से आप ब्रीडिंग सेटअप कर रहे हो। जी। हमारा काम बोर्डिंग एंड लॉजिंग पलाई का है। हाँ। दोनों चीज में डिफरेंसेस क्या रहता है? बहुत डिफरेंस तो बहुत है। डिफरेंस बहुत। देखो हमारे कैसा रहता है, एक्चुअली में फीमेल्स रहती है पलाई के लिए, अरे ब्रीडिंग सेटअप में। ठीक है, तो ब्रीडिंग सेटअप में हमारे को पलाई में, अरे इसमें कैसा रहता है कि एक बार डाल दिया ना फीमेल को, फिर 4-5 घंटे के बाद फिर एक बार कुछ डाल देंगे, बराबर, वो खा के एक बार बकरे से लोड होके वो ऐसे खा पी के रेडी होती रहेगी। ठीक है, आपको बकरों में तो हर एक चीज देखनी पड़ती है, कोई दूसरे किसी से लड़ेगा नहीं, बराबर, इसको कितने टाइम के लिए कितना छोड़ना है वो सब आपको देखना रहता है। और दूसरी चीज, इसको लीवर टॉनिक क्या देना है, कैल्शियम क्या देना है, हमारे भी ये चीज रहती है, लेकिन बकरों की कंपेरिजन में इतनी नहीं रहती है। यानी पलाई सेटअप ब्रीडिंग सेटअप से थोड़ा हगरा मेरे को दिखता है। एक्चुअली सोहेल भाई, वही है कि जो हमेशा मैं बोलता हूँ, हम लोग जो बोलते हैं कि ये जो पलाई है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, बकरेबाजी में सबसे टफ जॉब जो है, आई थिंक पलाई है। पलाई है, क्योंकि इसमें रिजल्ट देना, जवाब देना,
बकरा वेट गेन क्यों नहीं किया? रिजल्ट देना सबसे मेन बड़ा उसमें टफ काम है ये, क्योंकि कई जानवर तो कैसे रहते हैं ना कि दो दो बरस भी रहते हैं लेकिन उनके अंदर इम्प्रूवमेंट से ज्यादा 25 या 35 किलो का इम्प्रूवमेंट दिखता है अपने को, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा रहता है। उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज करके उसको 50 kg में डाइवर्ट करना 2 साल के अंदर, वो अपने पे डिपेंड करता है। यानी ये बहुत टफ चीज है। लेकिन एक चीज हम लोग ये भी बोलते हैं सोहेल भाई पलाई के अंदर में कि कितनी बार क्या होता है कि वेट गेन तो मैटर है ही, वजन बढ़ाना वेट गेन तो मैटर है ही, लेकिन फिर भी कि आपका जानवर कितना खुश रहता है ना फार्म पर, वो चीज है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। वो मैंने यहाँ पे देखा ना, वो बताया मैंने आपको कि यहाँ पे मैं तो मेरे को दिल खुश हो गया, भले जानवर खूंटे से बंधा हुआ है लेकिन हैप्पी फील कर रहा है। बिल्कुल भाई, जो नेचर में मैं रह रहा हूँ वहाँ इसमें मेरे को बढ़िया है, मैं खुश हूँ। दिखता है क्योंकि हम बकरे वाले 2008 से 2022 चल रहा है, इतने सालों से हम भी, तो थोड़ा तो हम बकरे को देख के इतना बता सकते हैं कि भाई ये क्या फील कर रहा है। ओके, क्योंकि ये फील तभी कर पाएंगे अपने कि अपने जानवरों को फील करेंगे, जानवर को फील करेंगे। आप इसको समझ लो या आपको समझ लो तो मजा आती है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने सुहेल भाई। ओके सुहेल भाई, थैंक यू सो मच कि आपने आपका थोड़ा टाइम भी दिया, फार्म विजिट किया, आपको मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी ट्रूली था वो आपने बताया। जी जी, तो ठीक है, इंशाल्लाह हम सुहेल भाई, मैं आपको दावत देता हूँ, आप सबको बोलिए, आपकी टीम को, सूरत की ऑल ओवर, सूरत की ऑल ओवर गुजरात, ऑल ओवर इंडिया की टीम को मैं दावत देता हूँ कि आप कुछ नहीं, सिर्फ एक बार रॉयल मुखी गोट फार्म पे विजिट कीजिए, आइए, खिदमत का मौका दीजिए। इंशाल्लाह हमारा अंजुम भाई के साथ कुछ ना कुछ बात चल रही थी, जब इनके वहाँ वीडियो शूट करने गया था तो हम सोच रहे थे कि भाई जाएंगे सुहेल भाई के वहाँ, अंजुम भाई ने ही बताया था, हम लोग इंशाल्लाह दिवाली के बाद कुछ आज अंजुम भाई से तकरीबन मेरे 7-8 साल से संबंध है। अंजुम भाई एवरी टाइम मेरे को एक ही चीज बोलते थे, आप सिर्फ बोलते हो 2-4 दिन में आता हूँ, 2-4 दिन में, स्पेशली आज मैं अंजुम भाई को मिलने आया हूँ। बिल्कुल, मेन चीज यही है सुहेल भाई, हम चाहेंगे कि पूरे बकरेबाजी लेवल जो जो बकरे पालते हैं, फार्म चलाते हैं, सब ऑन वन रूफ, वो एक ही बस मैं वो एक आपकी 2 मिनट बात काट के वीडियो खत्म होने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि आजकल हमारे में कंट्रोवर्सीज ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा, खत्म करो, एक प्लेटफॉर्म पर आओ, एक सोसाइटी बनाओ, एक बनो, एक यूनिटी बनेगी। आज जैसा एवरी इंडस्ट्री काम कर रही है, देखो हॉर्स इंडस्ट्री का नाम हो गया, डॉग शो हो रहे हैं, ठीक है, फिर कैट शो हो रहे हैं, एवरी, ये यूं समझो ना कि मुर्गों के शो, ये शो हो रहे हैं, हमारे बकरों का इतना नहीं हो रहा है, ओनली फॉर बेंगलोर हैदराबाद के अंदर ही हो रहा है, हमारे गुजरात में कहीं पे नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक ऐसा वाहिद बंदा हूँ कि कोई बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ के मैं गुजरात के अंदर शो करना चाहता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, आप लोग एक बनो, एक प्लेटफॉर्म बनाओ, एक सोसाइटी बनाओ, एक यूनिटी बनाओ, तो इसके अंदर फ्रॉड खत्म होगा, जो धोखाधड़ाकी होती है वो भी खत्म हो जाएगी, और हर एक छोटे नए बंदे को, छोटे बंदे को, बड़े व्यापारी को, फार्म वाले को, या एक जानवर रखने वाले को भी बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल, इंशाल्लाह सोचेंगे इस बारे में कि आगे क्या कर सकते हैं मिलकर लोग के साथ, कि इसमें आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है सुहेल भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, अलहम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।